नौकरी लगी तो कहीं एक छोकरी के चक्कर में और पड़ गया, उसको कोर्ट में जाकर के और शादी कर ली। साहब दो पत्नियों का पति हो गया। समाज ने समझाया बुझाया लड़कियों के घर वालों को, दोनों को घर में रख ली। शादी तो दो कर ली पर अब दोनों में आपस में बनती नहीं थी, पत्नियों में आपस में कलह करे, झगड़ा करे, विवाद करे। वो कोई बेचारा मास्टर जी था, स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता, पीछे से दोनों लड़ती। पति ने सोचा कि इनकी लड़ाई खत्म करो, एक जगह नहीं रह पाएगी, पर जगह तो छोटी सी है, प्लॉट छोटा सा है, एक कमरा नीचे बना रखा था, एक कमरे के ऊपर और कमरा बना दिया, नीचे वाले कमरे में से ही सीढ़ियां लगा दी। एक पत्नी को कहा तू ऊपर वाले कमरे में रहा करो और एक को नीचे वाली में रहा करो, पर आपस में लड़ो मत, शांति से रहो। अब कमरे दोनों को बांट दिए पर इतने से लड़ाई बंद होने वाली। एक दिन मास्टर जी तो पढ़ाने के लिए चले गए, पीछे से दोनों में ठन गई। नीचे वाली कहने लगी आने दे मास्टर को, मास्टर जी कौन बोले, आने दे मास्टर को, आज ऊपर नहीं आने दूंगी। ऊपर कमरे वाली कहती तो आने तो दे, एक मिनट नीचे नहीं ठहरने दूंगी, ऊपर खींच लूंगी। दोनों में ठन गई। छुट्टी हुई, मास्टर जी आए, हैंडबैग रखते थे, नियम था कि ऊपर सुरक्षित रहता, ऊपर वाली कमरे में अपना बैग रखा करते थे। आए नीचे किवाड़ के पीछे जूते उतारे और अंदर की छोटी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। नीचे वाली कहने लगी खबरदार आज ऊपर नहीं जा सकते। ऊपर वाली कहती है खबरदार एक मिनट नहीं ठहर सकते, ऊपर आओ। अब जब बेचारा ऊपर चढ़ने लगा, वो कोर्ट में शादी किया जिससे ऊपर वाले कमरे में थी, ज्यादा प्रिया थी, वो कहती जल्दी आओ ऊपर आओ। चढ़ने लगा तो नीचे वाली ने उसका पैर पकड़ लिया, सीढ़ियों पर चढ़ा और पैर पकड़ लिया। मास्टर जी ने ऊपर वाली को कहा अरे तो ये मेरा बैग पकड़। ऊपर वाली को हाथ का बैग पकड़ाया, बैग तो नहीं पकड़ा, भली मानस ने उसका हाथ ही पकड़ दिया, ऊपर खींचने लगी आओ ऊपर आओ। अब वो ऊपर वाली हाथ से पकड़ के ऊपर खींचे, नीचे वाली ने पैर पकड़ लिए, चढ़ने ही न देवे। 5 बजे घर में गया था, अब 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, रात की 12, 12:30, 1 बज गए। वही खींचा था नहीं, एक ऊपर खींचे एक नीचे खींचे। कोई योग से गांव में चोर आ गए, देख रहे थे चोर की कहां घुसे। अब मास्टर जी के घर का कमरे का दरवाजा बंद कौन करे महाराज, वो तो तीनों ही पसे पड़े, फुर्सत किसको है। दरवाजा खुला, चोरों ने देखा न ताला तोड़ना न दरवाजा खोलना, खुला खुलाया है, चलो आज यहीं चोरी करते। चोरी करने के लिए चोर जब कमरे की तरफ गए तो थोड़े थोड़े बाहर के प्रकाश से दिखाई पड़ रहा था बेचारे मास्टर की क्या रस्सा कसी चल रही है। एक ऊपर खींचती एक नीचे खींचती, मास्टर घायल हो गया, परेशान हो गया। चोर भी चोरी करना तो भूल गए, दरवाजे के पीछे खड़े खड़े तमाशा देखने लग गए, ये क्या नाटक हो रहा है। अरे रात चली गई, सवेरे 4 बजे, 4:30, 5 बजे उजाला होने लगा।
मास्टर जी की नजर पड़ी दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है। मास्टर चिल्लाए, अरे मुझे छोड़ो छोड़ो, तुम्हारा बाप चोर आ गए, वो देख किवाड़ के पीछे चोर खड़े। तब कहीं दोनों ने मास्टर को छोड़ा, सबने भाग करके चोर को पकड़ा। मास्टर की तो गेल छूटी, चोर को पकड़ा, पुलिस को फोन किया, पुलिस को पकड़ाया, आखिर में कोर्ट में केस हुआ। जज साहब के सामने खड़ा किया गया। जज साहब चोर को पूछने लगे, तुमने चोरी की है? जज साहब बोले, सर मैंने चोरी, यो चोर करने लगा, सर मैंने चोरी नहीं की। तो तुम गए थे चोरी करने? बोले, गया तो चोरी करने था, पर चोरी किया नहीं। जज साहब कहने लगे कि तुम्हारी नियत खोटी थी, भले ही चोरी किया नहीं पर चोरी करने की नियत से गए थे, इसलिए सजा तो तुमको भोगनी पड़ेगी, सजा तो भोगनी पड़ेगी। चोर कहने लगा, सर सजा भोग लूंगा जो भी आप दोगे, पर कृपा करना एक सजा मत देना, बाकी जो भी सजा दोगे मैं भोग लूंगा। आज जीवन कारावास दे दोगे भोग लूंगा, पर एक सजा मत देना, मैं भोग नहीं पाऊंगा। तो जज साहब ने कहा, भाई वो कौन सी सजा है जिसको तुम भोग नहीं सकता? बोले, जज साहब दो पत्नियों का पति मत बना देना, बाकी जो चाहो जो कर देना। दो पत्नियों का पति मत बना देना, बाकी जो चाहो सजा दे देना। तो कोई गलती से दो पत्नियों का पति हो जाए, वो भी बेचारा दहल जाता, घबरा जाता है। और जिन्होंने 16108